Very good morning to all the mechanical students. Today I am going to start the fourth part of the chapter governor and the topic is Proell governor. As you can see, तो देखिए पहली चीज तो आप एक बात जान लीजिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा दो टाइप के गवर्नर, पहला पढ़ा हमने वॉट गवर्नर और दूसरा पढ़ा हमने पोर्टर गवर्नर. आज हम लोग बात करेंगे प्रोवेल गवर्नर की, तो तीनों में डिफरेंस आपको समझना चाहिए पहले, उसके बाद हम प्रोवेल पाएंगे. देखिए ये वॉट गवर्नर था, तो वॉट गवर्नर में आर्म था और उसकी फ्लाई व्हील्स थी, सिर्फ इतना कंसीडर कर रहे थे हम. हमने वॉट गवर्नर में ये जो स्लीव है, इस स्लीव का कहीं भी वेट कंसीडर नहीं किया था. तो जब वॉट गवर्नर था तो उसमें सिर्फ इसको कंसीडर किया, इसका वेट नीचे आ रहा था और इसका एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर आ रहा था. जब हम लोग पोर्टर गवर्नर कर रहे थे तो पोर्टर गवर्नर में ये तो कर ही रहे थे, इसके साथ हमने एक चीज और अटैच कर दी, ऐड कर दी थी हम, जो है ये स्लीव का मास और वेट, मास या वेट दोनों कंसिडर कर रहे थे. तो इसको हम बोल दे रहे थे स्मॉल एम, इसको बोल दे रहे थे कैपिटल एम. ठीक, सिर्फ पोर्टर गवर्नर का थोड़ा सा अपडेट किया हुआ है प्रोवेल गवर्नर में, बाकी सारी चीज़ें सेम है. देखिए पूरा डायग्राम वही है, बस एक चीज़ जो फ्लाई बॉल यहाँ पे ए पे अटैच थी, ये ए और डी पे अटैच थी. अब इस कंडीशन में क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक आर्म लिया और उस आर्म से क्या कर दिया, फ्लाई बॉल को थोड़ा सा ऊपर अटैच कर दिया. ठीक, ये यहाँ पे अटैच कर दिया, तो उसको बोलते हैं कौन सा गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर. तो सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी प्रोवेल गवर्नर. देखिए जाहिर सी बात है, जब वॉट गवर्नर था तो उसमें एक फ्लाई बॉल थी, तो कुछ फार्मूला आया होगा. जब अगली बार पोर्टर गवर्नर आया तो उसमें स्लीव ऐड हुआ, तो एग्जिस्टिंग फार्मूले में कोई चीज़ और ऐड होगी. अब जब प्रोवेल गवर्नर पढ़ रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग फार्मूला होगा पोर्टर गवर्नर का, उसमें थोड़ी सी कोई भी चीज़ ऐड हो जाएगी. वो क्यों ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लाई बॉल थी इस पोजीशन को छोड़ के हमने एक आर्म की सहायता से उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. देखिए सारा काम वही कर रहे हैं हम. क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट था ए, ए पे हम एक ए और बी, चूंकि इन लोगों की मोशन अलग अलग है तो इसके लिए हम एक इंस्टेंटेनियस सेंटर आई लेते हैं. अंतर सिर्फ मैं फिर बता दूं, अंतर सिर्फ मैंने इतना किया कि ये जो फ्लाई बॉल है, फ्लाई बॉल को एक अलग से आर्म ली और ऊपर लटका दिया, बस यही अंतर होता है पोर्टर और प्रोवेल में. मान लिया ये जो फ्लाई बॉल है वो बेस से कितना ऊपर है, ई. ठीक, मान लिया ये फ्लाई बॉल की अब जो रेडियस है वो है आर डैश, और ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस स्पिंडल से वो कितनी है, आर. ठीक, ये बी पॉइंट पे, ये सब कुछ वैसा ही, कुछ भी नहीं चेंज हुआ. जो चेंज हुआ वो सिर्फ एक चीज चेंज हुई, आप गौर कर पा रहे हैं कि ये जो फ्लाई बॉल यहाँ पे थी वो फ्लाई बॉल अब एक आर्म की हेल्प से इस पोजीशन पे आ चुकी है. ठीक, हमें काम करना है वही इकलौता काम, हमें हर बार क्या करना है, ये जो पॉइंट आई है इंस्टेंटेनियस सेंटर आई के अबाउट क्या ले लीजिए, मोमेंट ले लीजिए सभी लोड या सभी फोर्सेस का. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू डू दैट. आई के अबाउट अब पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं. यहाँ पे देखिए एक फोर्स ये काम कर रही है, एक फोर्स ये काम कर रही है, और क्या है, देखिए पहले यहाँ पे काम कर रहा था लेकिन अब यहाँ चूंकि फ्लाई बॉल शिफ्ट हो चुकी है ऊपर, तीसरी फोर्स है ये, कोई चौथी फोर्स यहाँ पे नहीं दिख रही है. ठीक है ना, तो बस हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं. और देखिए अब हम सीधे स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहली फोर्स कौन सी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर. एम आर ओमेगा स्क्वायर का डायरेक्शन है ये, किसके अबाउट ले रहे हैं, आई के अबाउट. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ई. तो क्या हो जाएगा, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर इंटू ई, एंटी क्लॉकवाइज. दूसरी फोर्स कौन सी दिख रही है, देखिए ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है. ये वाली फोर्स को देखिए एम जी किधर काम कर रहा है, ऐसे. हमें मूवमेंट किसके अबाउट लेना है, आई के. ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपको गौर करना होगा, ये आपको निकालना है. कैसे निकालेंगे, देखिए नहीं आप पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि कैसे ये वाली डिस्टेंस आप लोग निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे काम करते हैं. देखिए सी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर डैश. तो अगर मैं आपसे पूछूँ आई और ई के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो बताइए, हर कोई बता सकता है. देखिए ये फोर्स, ये एम जी यहाँ काम कर रहा है, हमें निकालना है आई के अबाउट. ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सी यहाँ से यहाँ तक प्लस आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, आर, और उसमें से घटा दीजिए आर डैश, माइनस आर डैश. ये हो गया डिस्टेंस इंटू फोर्स क्या है, स्मॉल एम इंटू जी. ठीक है, दिस इज क्लियर आउट. तीसरी फोर्स जो दिख रही है एम जी प्लस एफ बाई टू, प्लस माइनस एफ लीजिए चाहे प्लस एफ लीजिए, इट्स ऑल ऑन यू. ठीक है, एम जी प्लस एफ बाई टू. अब यहाँ पे देखिए आई और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, सी प्लस डी.
और तो कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला बना, बस यही देखिए मेन आपका मोटिव है, आपको मोमेंट निकालना होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट। ये 7 नंबर की UPTU के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में 7 नंबर की डेरिवेशन आती है। और आप अगर अभी मैं आपको जस्ट नीचे आप एक न्यूमेरिकल दिखाऊंगा जो कि IES में आया है, विच इज डायरेक्टली दिस डेरिवेशन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए MR डैश ओमेगा स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू एक एंटी क्लॉकवाइज, दो टू क्लॉकवाइज। अब ये आ गया ऐसे। अब सेम काम जैसे हम पहले करते थे, ये जो ई है ई को राइट साइड में ले जाइए, 1/E इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, देखिए अब हम यहाँ पे आ रहे हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, AE इज वर्टिकल। हम ये मान लेते हैं कि ये जो AE है अभी यहाँ पे आपको इंक्लाइंड दिख रहा है, मैं मान ले रहा हूँ इसकी पोजिशन क्या है, वर्टिकल मान ले रहा हूँ। अगर मैं इसकी पोजिशन वर्टिकल मान लूंगा, इधर देखिए इसकी पोजिशन अभी इंक्लाइंड है, यहाँ पे जब पोजिशन वर्टिकल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब E की जो रेडियस हो जाएगी वो R डैश ना होके क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। जब R हो जाएगी तब बताइए क्या हो जाएगा, तब सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, एम जी इंटू सी क्या कैंसिल हो जाएगा, R से R डैश देखिए कैंसिल हो जाएगा, R और R डैश क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक, अब सब कुछ आपको फॉर्मूला यहाँ पे ये मिला, ये ध्यान रखिएगा कंडीशन क्या है, ए इज वर्टिकल। IES में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये ए वर्टिकल ना होके इंक्लाइंड है, तो आपको यहाँ से शुरू करना था, यहाँ से शुरू करना होता है। तो कुल मिला के देखिए मेन है कि आपका कॉन्सेप्ट, वंस यू हैव वेरी क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको बस ये डायग्राम समझना है बस। वंस यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम उसके बाद आपको कहीं भी सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब बस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए नहीं दिख रहा है तो हमने क्या कर दिया, इस साइड में ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में हमने क्या किया है, इस पूरे में हमने ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ए से डिवाइड भी कर दिया। जब ए से डिवाइड किया तो बाहर ए बाई ई आ गया और अंदर किया तो ये आ गया। अब सेम काम वही, टेन थीटा सी बाई ए क्या हो जाएगा, टेन थीटा सी बाई ए, टेन थीटा बी बाई ए क्या हो जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ वही चल रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा आर बाई एच, टेन थीटा का एक और होता है आर बाई एच, ये मैं सब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि ये देखिए ये दो हैं, एक तो ट्रायंगल है ये वाला, ये सामने आपको दिख रहा है, और एक और ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला। ठीक, तो इस ट्रायंगल में अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एक तो होगा आर बाई एच, कब, अगर ये वाले ट्रायंगल में देखा जाए, इस ट्रायंगल में मैं देखूँ तो, और अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ तो क्या हो जाएगा, बराबर सी अपॉन ए, आर यू क्लियर फिट। और अगर मैं आपसे पूछूं टेन बीटा का क्या वैल्यू होगी, तो टेन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, बी अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको यही अपडेट करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं सीधे सीधे, फॉर्मूला आ गया ये, यहाँ तक था। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आर बाई एच क्या होता है, देखिए ये टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया, आर बाई एच लिख दिया। अब इस तरफ आप देख रहे हैं एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, अब मैंने पहले ही कहा आर डैश और आर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो ये आर से इधर का देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर से क्या कट गया, आर कट गया, बचा क्या, एम ओमेगा स्क्वायर। एम को हम नीचे लेते हैं, एम को आप इस तरफ लेते जाइए, एम को आप इस तरफ लेते जाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, 2mg हो गया। ठीक है, और W बराबर क्या होता है, 2πn/60, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 895। इसको आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है वॉट के बदले में, तो ये वैल्यू पहले से ही आनी थी। तो आप जरा सा गौर करेंगे तो अंतर क्या आया, सारा फॉर्मूला वही रहा जैसा पोर्टर गवर्नर में था। ठीक, सारा फॉर्मूला वही रहा, बस अंतर क्या हो गया, देखिए सिर्फ एक अंतर हो गया कि यहाँ पे 895/h ये वॉट गवर्नर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 895 इंटू ये वाला टर्म ये होता है पोर्टर गवर्नर का, और एक टर्म और ऐड हो गया है ए बाई ई। तो पोर्टर गवर्नर और प्रोवेल गवर्नर में जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो सिर्फ इतना आता है कि फाइनल फॉर्मूले में ए बाई ई ऐड हो जा रहा है। ये क्यों ऐड हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ दी वो जो हमने एक्स्ट्रा जो आर्म की सहायता से बॉल को अलग कर दिया था। ठीक, अब बस एक चीज यहाँ पे देखना है आपको कि देखिए अगर हम ये करते हैं कि ये तीन कंडीशन आती है, मैंने आपको पहले ही बताया था के बराबर होता है क्या, आप ऑलरेडी जानते हैं के बराबर होता है टेन बीटा अपॉन टेन थीटा।